प्यारे दोस्तों, अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। जय माता दी। दोस्तों, हम बता रहे हैं आपको अंक गणित के बारे में। दोस्तों, अंक गणित एक ऐसा विषय है जिसमें या तो बच्चे की रुचि नहीं होती या वो पढ़ते हुए भी अंक गणित में निपुण नहीं हो पाते। दोस्तों, बस इसी विषय पर हम यह बात आपको बताने जा रहे हैं कि हम अंक गणित के बारे में कुछ ऐसी बात बताएंगे कि जिससे आप यदि अपने बच्चों को इस प्रकार की बात सिखाते हैं तो आपके बच्चे अंक गणित में रुचि लेने लगते हैं। दोस्तों, अंक गणित यदि किसी बच्चे का अच्छा होता है और बच्चा अंक गणित में यदि निपुण होता है तो जीवन के किसी भी क्षेत्र में वह पीछे नहीं हटता, यानी असफल नहीं होता, वह हर क्षेत्र में सफल रहता है। दोस्तों, अंक गणित से बच्चे क्यों डरते हैं, क्यों घबराते हैं? यदि आप छोटी छोटी बातों को लेकर के यदि अलग से कुछ ऐसी बात सिखाएं जिससे बच्चे अंक गणित में रुचि लेने लगें तो वो बच्चे अंक गणित में अच्छे नंबर से पास ही ना होंगे बल्कि अंक गणित को पढ़ने में, सीखने में उन्हें आनंद आने लगेगा। अब हम आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, यह मेरे पास कागज है और यह कलम है। इससे हम आपको गिनती लिखते हैं, 1, 2, 3, 4 दिखाई दे रही है। दोस्तों, आपको ध्यान से देखना, इस प्रकार से आप इसे 100 तक लिख लीजिए, 5, और यहाँ 6, 7, 8, 9, 10, 11 आप यहाँ आ जाइए, 96, 97, 98, 99 और यहाँ आ जाइए, ये 100। देखिए दोस्तों, ध्यान से, 1 से लेकर के हमने यह 100 तक की गिनती लिख दी है। जहां बीच में दिखाई नहीं दे रहा, ये बीच में सारी 5 से लेकर 96 तक की बीच में गिनती आई ही है। अब यदि आप अपने बच्चे से कहें कि इस प्रकार की पहले तो आप गिनती लिखें, अब इसका टोटल लगाएं, यानी इनको जमा कर दें कि यह पूरी संख्या जमा करने के बाद कितनी आती है। अब देखिए दोस्तों, अब वह बच्चा इसको जमा करते 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 आधा घंटा लगा देगा और फिर भी उसमें गलती होने की संभावना अधिक से अधिक रहती है। यह तो केवल हमने 1 से 100 तक की गिनती लिखी है, आप 1 से 1000 तक की भी गिनती लिख सकते हैं, तब कैसे जोड़ लगा पाएंगे इनका? अब दोस्तों, हम इसका एक सरल उपाय बताते हैं कि आप सबसे अंतिम जो अंक है वो ले लीजिए, यानी ये है सबसे अंतिम अंक 100। और दोस्तों, इससे आगे यदि आप लिखते हैं तो सीरियल नंबर के हिसाब से 100 के बाद क्या आएगा? 101। अब 100 गुना में 101। बस दोस्तों, इतना करने के बाद इसको 2 से भाग कर दें, 100 गुना में अगली संख्या और बटे हुए 2, यानी 2 से भाग कर दें। अब देखिए,
ये आ गई 101 के आगे दो सिफर लगा दीजिए और दो से भाग दे दीजिए तो दो पंजे दस, सिफर दो पंजे दस, 5050। अब ये संख्या 5050 आ गई तो यदि इन संख्याओं का जोड़ करेंगे तो ये 5050 आएगा। दोस्तों यदि इस प्रकार आप अपने बच्चों को सिखाएंगे तो आपके बच्चे इसे देखकर अंक गणित में रुचि लेने लगेंगे और वह ज्यादा से ज्यादा अंक गणित को पसंद करेंगे। अब दोस्तों ये एक अंक के सीरियल की ही बात नहीं है, इसी प्रकार से आप कोई भी सीरियल उठा सकते हैं। आप दो का सीरियल ले लीजिए। अब ये दो के सीरियल में 2, 4, 6, 8, 10 ये इस प्रकार लिखते हुए चाहे आप 100 तक आ जाएं, 200 तक आ जाएं, नीचे तक जितने भी चलेंगे आप इसको यदि 100 तक आ जाते हैं 96, 98 और 100 इस प्रकार बढ़ते हुए क्रम से आप फिर 100 तक आ जाएं, तब आप इनका जोड़ लगाने के लिए अपने बच्चों से कहें तो फिर वही बात सामने आती है। दोस्तों इस प्रकार जोड़ करने में काफी दिक्कत पेश आती है। आपको करना क्या है, वही 100 का अंक यहां पे लिख देना है। अब इससे आगे का सीरियल क्या होगा, 100 से आगे का सीरियल होगा 102। 100 के बाद लिखते हैं तो 102 और इसको 4 से भाग कर दें। अब दोस्तों उसको हमने 2 से भाग किया था, इसको 4 से भाग करना है। कहने का तात्पर्य भाग उससे करना है जितने का सीरियल है उसका दुगना। 2 का सीरियल है तो 2 का दुगना 4। 1 का सीरियल है, इधर में 1 का सीरियल था तो 1 का दुगना 2, 2 से भाग कर दिया। 2 का सीरियल है तो 2 का दुगना 4, 4 से भाग कर दिया। सीरियल में 100 के बाद 102, बस आपने 102 सिफर सिफर 4 से भाग कर दिया। 4 2 8 2, 4 5 20, 2 4 5 20 सिफर। अब देखिए 10,200 को 4 से भाग करते हैं तो 2,550 आ गए। अब दोस्तों इस प्रकार का सीरियल यदि आप 3 का लेते हैं, 4 का लेते हैं, 5 का लेते हैं तो बस आपने करना क्या है कि 3 के सीरियल में 3 2 6 से भाग कर दो, 4 के सीरियल में 4 2 8 से भाग कर दो, 5 के सीरियल में 5 2 10 से भाग कर दो। इस प्रकार लाखों तक की संख्या हो आप इसको बिना जोड़ किए हुए निकाल सकते हैं और आपके बच्चे यह देखकर बेहद प्रसन्न होंगे कि अंक गणित तो बेहद ही आसान विषय है और इसमें वो रुचि लेने लगेंगे। जब अंक गणित में रुचि लेंगे तो बच्चे किसी क्षेत्र में पीछे नहीं रहेंगे। तो दोस्तों उन्हें अवश्य सिखाइए। तो कैसा लगता है दोस्तों आपको अपना यह प्रोग्राम, यदि आपको पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले अंक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।